यहां पर डेफिनेशन देख लेते हैं कि रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है. देखो, व्हेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर, जब कोई कंपाउंड की प्रॉपर्टी एक सिंगल स्ट्रक्चर से नहीं डिफाइन होती है, फॉर दिस वी नीड मोर देन वन स्ट्रक्चर. ठीक है, मोर देन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हो, मोर देन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, मोर देन वन जो स्ट्रक्चर कहलाता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है. ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड रेजोनेंस. कंपाउंड इज कॉल्ड रेजोनेंस. जब कहीं एक स्ट्रक्चर से नहीं डिफाइन होती है कोई कंपाउंड की प्रॉपर्टी, तो कई डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लगते हैं, वो सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं. दूसरा नाम और है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. क्या बोल सकते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. तो इसको नोट कर सकते हो आप. देखो, दूसरा नाम क्या है इसका? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं. कैनोनिकल की स्पेलिंग कैनोनिकल. अब देखो यहां पर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये एक ही चीज है. ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. और दूसरा टर्म आता है एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स. क्या होता है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर. तो हमने ये दोनों चीज देख ली, हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी. तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड स्ट्रक्चर. हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. तो इन सबको स्ट्रक्चर्स को मिला देते हैं तब हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है. अब यहां पर एक टर्म आता है कि कोई कंपाउंड कितना स्टेबल है ये कैसे पता करेंगे? जितना ज्यादा उसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा. कंपाउंड स्टेबिलिटी यहां देख सकते हो, कंपाउंड स्टेबिलिटी. तो यहां पर कंपाउंड स्टेबिलिटी या फिर हाइब्रिड स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी एक ही बात है. वो कंपाउंड स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. क्लियर? जितने ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा. उतना ज्यादा कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल होगा. इतनी बात समझ में आ रही? फटाफट आप नोट कर सकते हो ये. तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी? बोलो, उतना ज्यादा हमारा कंपाउंड स्टेबल होगा जितने ज्यादा हमारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगे. बोलो, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतनी बात समझ में आ रही? लेकिन एक चीज और है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी है वो कम होती है हाइब्रिड स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी से. क्लियर? तो जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है आर लेस स्टेबल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेस स्टेबल देन हाइब्रिड स्ट्रक्चर. तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर से हमारा क्या होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. क्लियर? समझ में आ रही बात कि नहीं? क्योंकि ये हमारा एक कॉम्पैक्ट बताता है, ये हमारा रियल स्ट्रक्चर बताता है कोई कंपाउंड का, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की कितने बने. अब डिफरेंट टाइप के हमें व्यूज देखने हैं कि कितने मिलकर बन रहे हैं, मतलब कितने कौन कौन से स्ट्रक्चर लग रहे हैं, वो सारे कहलाते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. इसको हम सिंपल ये इस तरीके समझ सकते हैं, हमारा जैसे फैन है, तो ये हमारा फैन है. ठीक है, और ये हमारा फैन है. अगर ये चल रहा है तो ये कुछ हमारा इस तरीके से नजर आएगा. अगर फैन चल रहा है तो इस तरीके से नजर आएगा. तो ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया फैन का, हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया फैन का. अब यहां पर ये जो पंखुड़ियां हैं, ये पंखुड़ियां भी यहां थी, अब यहां कर दी हमने, ये वाली यहां कर दी, ये वाली थोड़ी रोटेट करके यहां कर दी. समझ आ रही बात कि नहीं? तो ये अलग अलग एंगल पे ये पंखुड़ियां आएंगी. जितनी पंखुड़ियों वाले स्ट्रक्चर्स बन पाएंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. और अगर पूरे सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स मतलब सारे पंखे के स्ट्रक्चर्स को हम कॉम्बाइन कर देंगे तो वो चलता हुआ पंखा हमको दिखेगा और उसको हम बोल देंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ ए फैन, ऑफ इलेक्ट्रिक फैन.
तो इसको फटाफट नोट कर सकते हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको समझा दिया, क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसकी और एप्लीकेशंस और डिटेल देखेंगे, नोट कर लो इसको, तब तक के लिए बाय बाय।